हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी यहां पर मैं लेकर आ गया हूं। इंतजार छात्रों का खत्म हो चुका है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट फाइनली आप सभी को पता था, 26 जून को उसका रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन उसके मार्क्स नहीं पता चल रहे थे। रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है, पूरा स्कोर कार्ड जो है आज की डेट में एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी छात्र अपने मार्क्स चेक कर लें। किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सभी देख लीजिएगा और एक बार कमेंट करके भी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मार्क्स बढ़े हैं, सभी कुछ आप बताइएगा। और फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ गए हैं वो भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी कैटेगरी को जरूर बताइएगा। ऑफिशियल स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही एक बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं और यहां पर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा आज की डेट का 5 जुलाई का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफल में जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। यहां पर आप क्लिक कीजिएगा, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मैं इस नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो चुका है और मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है और आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफल में जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। यहाँ पर देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफल में जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 ऑन 20/6/2019। एसएससी जीडी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, उसका रिजल्ट 20/6/2019 को जारी कर दिया गया था। नाउ अब द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन अपलोडेड द वेबसाइट ऑफ द कमीशन डेट इज ssc.nic.in। अब जो है एसएससी ने एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो है मार्क्स को अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, सभी छात्र चेक कर सकते हैं। सेकंड में बताया गया कि द कैंडिडेट मे नाउ चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स ऑन द फॉलोइंग लिंक द ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 5/7/2019 टू 4/8/2019 बाई यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड। यहाँ पर जो है सभी छात्र अपने इंडिविजुअल मार्क्स चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल मार्क्स एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं एसएससी जीडी के। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड पासवर्ड डाल के अपने लॉगिन करने के बाद एक महीने तक अपने मार्क्स को देख सकते हैं, यानी 5/7/2019 से यानी आज से 4/8/2019 यानी 4 अगस्त तक आप अपने मार्क्स चेक कर सकेंगे। 4 अगस्त के बाद अपने मार्क्स आप चेक नहीं कर सकते हैं। क्लिक यहाँ पर बोला गया कि आफ्टर लॉगिंग क्लिक ऑन द रिजल्ट मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट डैशबोर्ड। यहाँ पर सभी छात्र चेक कर लीजिएगा, 5/7/2019 आप देख सकते हैं। तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, मैं एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके सीधा अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको इस पर क्लिक करना है लिंक पर। ठीक है, और एक लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं अपने सीधा मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं देख लेता हूँ। और जिस तरह से यहाँ फ्रेंड्स जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको अपना ये कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिएगा फ्रेंड्स मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसे। देखिएगा फ्रेंड्स जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, जिन आपका नाम है वेलकम, यहाँ पर जैसा कि सौरव कुमार लिखा है आपका नाम यहाँ लिखा होगा। उसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद रिजल्ट टेस्ट मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट एंड मार्क्स पर क्लिक कीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा वेबसाइट जो है एसएससी की थोड़ी बिजी है। ठीक है, क्योंकि अभी मार्क्स अपलोड हुए हैं और सभी छात्र जो है चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पर जो है रिजल्ट एंड मार्क्स पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड जब आप रिजल्ट मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद एग्जामिनेशन नेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन नेम आपको यहाँ पर जब सिलेक्ट एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर सबमिट पर क्लिक कीजिएगा और आपके सामने आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स, ड्रॉ मार्क्स, आपका स्कोर कार्ड क्या है वो सभी कुछ आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने बड़े हैं, रॉ मार्क्स क्या है और स्कोर कार्ड आपका क्या बना है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं वो भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से सीधा लिंक पर क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।